माशाल्लाह जी व्लॉग बन रहा जी, सिक्के बन लगे ने। ओ साडा मीमना है कोले, देखो जी सेटिंग हुई है, तिक्के चलन गए जी। तिक्के माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह जी, रात टाइम टिक्का पार्टी हो रही है। ए बच्चे सारे बच्चे माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम भैया हारिस है माशाल्लाह जी। देखो जी आप बच्चे ने सब कट्ठे हुए ने, अपना शुगर मेला ला रहे हैं जी। कहते ने नानो असी इंजॉय करना, मैं क्या करो जी करो माशाल्लाह। मिद्दत है, मिद्दत है, मिद्दत देखो जी माशाल्लाह। नन्हे मुन्ने बच्चे है, मेरे ब्लॉगर है गए जी, ऐ मेरे ब्लॉगर है गए ने जी। देखो जी माशाल्लाह, टिकटॉकर भी है जे बच्चे। देखो जी शेर अली, ऐ टिकटॉकर बच्चे है ने। माशाल्लाह काफी इन्हों लाइक मिलते थे। तीन बच्चे कड़े ने टिकटॉकर है गए जे माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा काम करते जे टिकटॉकर, इन्हों लाइक भी जरूर करना माशाल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी, देखो जी टिक्का पार्टी होने लगी जे, ए टिक्के सीखा लगे ने माशाल्लाह जी। अज एंजॉय हो रहा जी, बच्चों की फैमिली सब कट्ठी हुई है जी, बच्चे भी ने, जिते बच्चे उत्थे उन्हां दी फैमिली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे कंट्रो, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक तुहानूं सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लम्मी जिंदगी दे, अल्लाह तुहानूं हर मुश्किल तो अपने हिफ़्ज़ो अमान च ला रखे, अल्लाह हर मुश्किल तो तुहानूं महफूज़ रखे। जो दुनिया तो चले गए ने अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल-फ़िरदौस च आला मुकाम अता करे, अल्लाह सब उत्ते रहम करे, अल्लाह बारिशां रहमान दियां दे। बारिशां हो रही ने जी बहुत ज़्यादा, रोड़ा के पानी जमा हो जाता है, बाकी अल्लाह सानू अपने माण च रखे। अल्लाह के काम ने जी अल्लाह ही बेहतर करता अपने इंसानों वास्ते जो करता है। देखो जी ठंडा मौसम भी बन गया, अल्लाह पाक हूँ अपनी रहमत की बारिश दे सानू। देखो जी माशाल्लाह पार्क के पौधे भी हरे भरे हो गए हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ए घिया तोरी लाई सी, देखो जी उसकी बेल हो गई जी, देखो देखो इनू जकड़ रही है इस बेल में माशाल्लाह जी। इस पौधे से माशाल्लाह बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, तो यह देखो यह बच्चों ने ना तोड़ दिती है बेल, इतने वड्डी सारी एक लगी सी, बच्चों ने तोड़ दिती है, हुण यह दोबारा तो शुरू हो रही जे। अल्लाह पाक दे रहमत करे, देखो माशाल्लाह बारिश पौधे किन्ने सोहने लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। देखो जी माशाल्लाह बारिश हो रही है, बच्चे नहा रहे ने बारिश च, सुभान अल्लाह जी बारिश माशाल्लाह हो रही है, मौसम ठंडा ठंडा बन गया। अल्लाह पाक सानू इसी तरह ठंडा रखे, सुकून सन दे, अल्लाह सबनों, अल्लाह जितने बीमार ने अल्लाह उन्होंने शफा दे, अल्लाह सुकून दे, अपनी रहमत दी बारिश दे। माशाल्लाह जी बारिश दे विच चौधरी साहब हलवा पूड़ी लिया ने, देखो जी आ मेरे हिस्से च हलवा किन्ना आया है मैं वैसे भी नहीं सी खाना है, वैसे माशाल्लाह जी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, चौधरी साहब की हालत देखो कैसी, अस्सलाम ले लो। अस्सलाम वालेकुम भैन भाव, की हाल ठीक ठाक, सब खैर थी ते मैं जरा बाहर काम गया ते बारिश पै गई ते भिज गया सारा तो तुसी हलवा पूड़ी लैन दी है
हलवा पूरी मैं दिल किया हलवा पूरी खाने वो खाधी फिर मैं घर लिया मैं घर लिया सारे फिर ने बुकी लिया बुरकी ला मेरे दिन चाहिए चलो मेहरबानी मैं तो जल्दी जल्दी पठे लैन देने पानी भी लिया दुआ ने नाले ना आए हाँ नाले मैं मौसम वे बाबू साबू का नान बन गया अभी भी अभी दो ही बन गया नाले नहा नू के आए दो ही नाले अपना पानी लिया फिर टुर के आए तो हूँ मैं चली जरा बकरियां को छाते वो वेखा मैं की कर दया ने कैमरे लवा ले जी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कैमरे लवाए ने कल मेरे बेटे ने माशाल्लाह जी कैमरे लगवाए ने दोनों साइडां ते देखो जी ए व्यूज हैगा मेरिया गलिया का पहले भी मैं लवाना चाह रही सां फिर लवाए नहीं हैन ते ए हुण जरा कुना सब दा प्रेशर मेरे उत्ते आया मेरे भैणां भरावां दा उन्होंने कहा फौरन कैमरे लवा तो मैं जी आ कैमरे लवाए ने अलहमदुल्ला जी बड़ी अच्छी कवरिंग कर रहे ने ते माशाल्लाह जी अपने इन्होंने सब ने घर वाले ने मोबाइलों पर भी कर लिया सिस्टम तो अपने घर के जो भी साढ़े को एल डी है या कुछ हैगा वो भी सिस्टम हो गए ने शुक्र अलहमदुल्ला जी माशाल्लाह जी देखो उत्ते छत आई पानी है उत्ते भी बारिश हो रही है देखो ए मैं नुस्खा बनाया मेरा इतनी सुकन वास्ते रखे तो बच्चों ने चुकया नहीं आया तो मैं तुम्हें पता जरा मसरूफ हूँ हाँ मैं इधर कर दिनी हाँ देखो ए मैं नुस्खे अपने रखे होंगे सुकन वास्ते अचानक बारिश आ जाती है ऐशतूत लैके आए हैं माशाल्लाह जी बकरी वास्ते एक ही रह गई है एक बच्चा है दुध पींदा अपनी माँ का एक बकरी है दो दिन वो मुकदे नहीं जी पिंड की बकरी है शौक नाल दरखत खाती है शहर की पली हो ना तो वह फिर अपना ये पिंड च लिया के पाली है तो शुरू तो असी दरखत पाया तो उन्होंने ज़्यादा दरखत पसंद है तो अलहमदुल्ला दरखत सानू चोई साहब फोन आ जाता कि ए कट लो बल्कि कट ही देंगे ने उन्होंने जरूरत होती तारा ना लड़ते हैं ना दरखत तो कट के दे देंगे ने अस चुक लें बोतलों सारिया इन्होंने इधर कट कट के पानी दियाँ रख दियां ने थले पानी वास्ते बोतल एक भी नहीं है देखो जी ए जिस तरह पीतिया ने इन्होंने ए सारिया ढेर लगे ने जेडे पानी लै जाते हैं वह भी बोतल वापस नहीं देंगे देखो जी सीढ़ियाँ चढ़ागी क्योंकि पानी जरा ना बारिश बहुत ज़्यादा है तो पानी है तो कैमरा मोबाइल का भी खतरा खराब होता तो मैं बंद कर लैनी हूँ जी मैं उत्ते जा रही हूँ देखो जी खस्ताली हुई उसी तो ही सारा कुछ पे है बर्तन वगैरह उत्ते नहीं आ सकी ना कल मेहमान आए थे तो उन्होंने कोल बैठी रही हूँ ओ गिलास पे है बोतल पई है देखो जी हर काम वड्डे नाल होते होंगे ने नहीं होंगे तो चौधरी साहब तुम्हें पता बहर अंदर काम शाम अपने तो मैं उत्ते नहीं आई देखो हालत की हो चार पाइया भी इसी तरह पारिश एंगीठी वह भी बहर ही पई है ए देखो टिक्का पार्टी चलाई सी ना वह बहर ही रख दी कैसी गल है देखो गिलास मंजिया उत्ते बकरिया ने मेंगणा कीतिया ने उसी तरह ही खलारा पे है ए हूँ मैं आई हाँ तो मैं चुकने जी साफ करनी अर्श है जरा तबीयत ठीक नहीं सी है जिदी वजह तो मैं कर दी नहीं सी भी कम
कुछ मेहमान आन जान वाले सन माशाला, तो फिर तुम पता भैन भरा कोई चाहत ना आंदा, फिर वो कोल बैठना पैंदा, टाइम देना पैंदा, कोई इन्नी दूरों चल के आंदा किसी चाहत ना आंदा। तो मैं मसरूफ हैगी सा, तो देखो किस तरह खस्तालियाँ हुई। बाकी अल्लाह खैर करे जी। माशाल्लाह जी, बकरी भी ठीक हो गई है, बीमार हो गई सी बहुत ज़्यादा, इन्हें मौसम का भी टेंशन ली, ताकि मौसम भी दो तीन दिन कोल ही ना आया, तो बीमार हो गई। फिर वो नाल का कढ़ाएगा सी बक्तू, वो तो पता जीवा हो गया, तो बकरी ने पट्ठे छड़ दिते खाने, बीमार हो गई, दुध भी यदा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो यह देखो जी हूँ माशाल्लाह अलहमदुल्ला हूँ कुछ ठीक हुई है, हले भी दुध नहीं आया तो थले ना बिल्कुल घट है, देखो हूँ ठीक हो मेरे पारो पारो बारिश लग रही बेटा, पारो पिछो नहीं पारो, बारिश लग रही मेरा बेटा, बारिश लग रही है, बारिश अम्मी नहीं आई सी दो तीन दिन कोल है, हैं मैं आ गई ना अपनी बेटी के कोल, ये आई सी देखो जी बड़ा प्यार कर दी जो मेरे कोल आ जी, देखो कमजोर हो गई मेरी बकरी, अल्लाह पा के तेरा रहमत करे जी। ए हूँ मैं चार पाइया चुकिया ने, चीज़ा चुकिया ने अपनिया, बारिश के कपड़े गिले हो गए ने, मौसम अली आवाज दी, हम मौसम अली नहा रहा थले बच्चिया के नाल, मैं क्या आया उत्ते पट्ठे लिया के बनिए, हूँ ले आएगा पट्ठे के नाल बन दिया गी थले पे ने दिखाए ने, वो बना गई फिर पारो खाएगी, हेलो देखो जी मौसम तो बड़ा प्यारा लग रहा, बाकी अल्लाह अपनी रहमत करे जी, अपनी रहमत के बारे से हाँ की गल बस बोली जा रही है ना लग दी भी, देखो बस फ्री जा रही बोली जा रही, हाँ जी की होया जी पट्ठे खाने जी, हाँ जी चलो पट्ठे पाने, बारिश बड़ी तेज़ लग रही पारो देख, बारिश लग रही इस वक्त करे जी, अज कुछ तबीयत बेहतर हो गई, अज सुकून जहा महसूस होया है, इसे बच्चा मिल भी गया सी, लेकिन वो ऐसा दिन के उत्ते बैठ गया सी, बस ना जिस तरह चीज़ मिल के भी नहीं मिली, दिन वह चीज़ चल रही थी, देखो जी बड़ा झटका लगा, शुक्र अल्लाह का किया हूँ कि गला भी ठीक होया, अज मैं अपने ना सुकून नाल उसी रूटीन के उत्ते आई जाए, अल्लाह पाक तुहानू सब नू हिम्मत दे सुकून दे, अल्लाह तुहाडे घर दी परेशानी ना अल्लाह दे, अल्लाह तुहानू हर बुरे वक्त तो महफूज रखे, अल्लाह पाक तुहानू सेहत दे, बार बार बस यही गल्लां कर दिंदी आं क्योंकि असी अपने अल्लाह दे अगे करनी, अल्लाह दे नाल गल्लां करी दियां ने, अल्लाह नू अपने दुख दसी दे ने, अल्लाह सुनदा है। आ देखो जी मौसम भी लैके आ गया जी थल्यों पट्ठे, आ देखो एन मौसम बनन लगा जी, मौसम नहा लिया, अच्छा जी बच्चे भी नहा लेने थले, अच्छा मौसम की भी तबीयत खराब हुई है, मैं तेन मना किया नहाई ना तू फिर ठंड च नहा लिया, देखिए खांसी लगी ना गला खराब हो गया, कोई नहीं आज दवाई लियावे इंशाल्लाह, अल्लाह पा खैर करेगा ठीक हो जाएगा, मैं भी दवाई लियानी मेरी अपनी दोबारा जाना डॉक्टर से, पूरा तो रात ही तेरी तबीयत खराब हुई है। सलाम ले लो, बड़ी कमली लगी तेन गर्मी का जुकाम लगा है, गर्मी दौड़ पच लगी रही है ना तेरी, तो तेन गर्मी का जुकाम लगा है, देखे ए निकल पाई है होना सर्दी लग रही है, है मौसम बकरी कितनी कमजोर हो गई है, बीमार होने वाला ने अल्लाह पाक नूं सेहत, हाँ बकरे का भी टेंशन लई है, फिर प्यो वर गया मोटे घुट के लगा सिर लान, तू अपनी बकरी भी भुल गया, लखन 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 माशाल्लाह जी खेल रहा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह जी अल्लाह पाक ने ईद तो पहले अपनी माँ नूं दे दिता है लखन नूं, लखन जरा ना सानू 12 दिन पहले ही मिल गया ईद तो, नहीं तो इन्हें बकरी ने होर रौला पाना सी क्योंकि कली रह गई थी ना जी, तो वह हूँ अपने बच्चे के ध्यान लगी होंगी है, 12 याद तेनू आँदी है वो भी,
ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੁਬਾਹ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਛਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਦੁਰੂਦ ਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਫਾਲਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਾਫ਼ੀ